कभी ये भी सोचा कि हम रास्ता में कोई अच्छा साथी मिलेगा तो हम झारखंड के लिए हम सक्रिय रूप से राजनीतिक फिर से करूंगा। इसीलिए हमको साथी मिल गया, बड़ा दल मिल गया देश के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी में आज हम सदस्य ग्रहण करेंगे। और वहां से है झारखंड के लिए जो लड़ाई हम पहले जैसे लड़ाई लड़े थे, हम जो बड़ा ज्वलंत मुद्दा है आदिवासी का अस्तित्व का जो संकट पैदा हुआ, हम देखा कि दूसरा दल से हम इस बात को नहीं रख सकते, इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी को हम चुना। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर विश्वास एवं गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर विश्वास में रहा कि झारखंड को विकास भी करना है, यहाँ का आदिवासी का अस्तित्व को बचाना है, मूलवासी के अस्तित्व को बचाना है। झारखंड को ये बड़ा धनी प्रदेश है, उस प्रदेश को हमने अच्छा से संवारेंगे, ये मेरा मन में आया बड़ा चिंतन मंथन करने के बाद। इसलिए आज हम पार्टी में भारतीय जनता पार्टी में हम सदस्य ग्रहण करने जा रहा हूँ। दादा, रामदास सोरेन आपके साथी भी रहे हैं, आज 12वें मंत्री के रूप में राजभवन में शपथ ली है, क्या कुल्हान में आपके मतलब भरपाई कर पाएंगे जो जेमे में आप? हमने पहले कहा कि हम उस संगठन को बनाए, उस संगठन के किसी को हम नहीं लेंगे, हम अकेला निकले हैं, हम इसीलिए उसके। तो फिलहाल आपने चंपई सोरेन को सुना, बीजेपी में शामिल होने के बाद चंपई सोरेन की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई है। चंपई सोरेन ने कहा कि मैं दिल का साफ हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जासूसी होगी, जिसने झारखंड के लिए लड़ाई लड़ी उसके पीछे जासूस लगाया गया। उस दिन के बाद हमने फैसला लिया कि दल में जाएंगे, जनता की सेवा करेंगे। चंपई ने देश 28 अगस्त को देर शाम झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि हमने जो भी फैसला लिया है झारखंड के हित में लिया है, हम संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, पीछे नहीं हटेंगे, पार्टी हमें जो भी दायित्व देगी उसी हिसाब से काम किया जाएगा, झारखंड में विकास के साथ साथ आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने के लिए हम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जब चंपई सोरेन ने बीजेपी का दामन थामा तो बीजेपी के तमाम दिग्गजों की मंच पर मौजूदगी थी, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो या फिर शिवराज सिंह चौहान हो या फिर असम की सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा हो। जैसे ही चंपई सोरेन ने बीजेपी का दामन थामा, कमल खिलाया, वैसे ही शिवराज सिंह चौहान ने जेएमएम पर पलटवार किया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है, एक पति पत्नी की पार्टी बनकर रह गई है, और उन्होंने ये भी कहा कि टाइगर अभी जिंदा है। शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है, हम सीधे आपको शिवराज सिंह चौहान को सुनवाते हैं। झारखंड बनाने में अपनी जिंदगी का होम कर लिया और झारखंड की जनता की सेवा
वहीं शिवराज सिंह चौहान को भी सुना, जो झारखंड के प्रभारी बनाए गए हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, दिग्गज नेता हैं, किस तरीके से जो है उन्होंने जीएमएम को आड़े हाथों लिया और चंपई सोरेन के समर्थन में नारेबाजी की और कहा कि टाइगर अभी जिंदा है। और इस पर जो है चंपई सोरेन का भी बयान सामने आया है, 6 महीने से मेरे पीछे जासूस लगाए गए, मेरे पास सबूत है हेमंत जी, भाजपा की सरकार आने दीजिए, पूरा हिसाब होगा। जैसे ही चंपई सोरेन ने बीजेपी का दामन थामा, कमल खिलाया, वैसे ही चंपई सोरेन ने हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोला, सीधा वार किया चंपई सोरेन ने हेमंत सरकार पर। चंपई सोरेन ने चेतावनी देते हुए भरे मंच से हुंकार भरी कि हेमंत जी भाजपा की सरकार आने दीजिए, पूरा हिसाब होगा। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और वही शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जेएमएम अब पति पत्नी और दलालों की पार्टी बनकर रह गई है। कुल मिलाकर तमाम सियासी उठापटक के बीच अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से चंपई सोरेन ने कमल खिलाया, आने वाले समय में झारखंड में इसी साल के अंत में विधानसभा का चुनाव भी होना है, अगर बीजेपी चंपई सोरेन के नेतृत्व में, अगर अब जीएमएम चंपई सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में सरकार बनाती है तो क्या चंपई सोरेन को बीजेपी सीएम बनाएगी या नहीं, ये फिलहाल सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।